दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना हुआ था कि यहाँ पर जो हमने साइन अप बटन बनाया हुआ था, तो इसमें वैलिडेशन का काम मैंने प्लीज़ इंटर ईमेल, ये सब सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। एंड अब हमको क्या करना है, इस पेज में अब हमें लॉगिन वाले पेज में जा कर के वर्क करना है। ईमेल एंड पासवर्ड वाला सिस्टम हमें एक्टिवेट करना है। इसके बाद हम फॉरगॉट पासवर्ड की बात करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लॉगिन पेज की। लॉगिन पेज बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर फायरबेस का काम करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इस सीरीज़ में नए हैं तो पिछले वाली वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो ये ईमेल में मैं यूज़र ऑथेंटिकेशन पेज में जाता हूँ, एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है एक लॉगिन का बटन जिस पर हम काम करने वाले हैं आज। और साइनअप के बटन में मैंने काम किया था, तो आपको फिलहाल मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा साइनअप का बटन है, और मैंने सारे ब्लॉग बनाए हुए थे पिछले वीडियो में, मैंने काफ़ी अच्छा से समझाया हुआ था। मैं कोशिश किया था कि आपको पूरा पूरा समझ में आए, लेकिन अगर फिर भी डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मैं लॉगिन पेज में आपको बताने वाला हूँ आज कि आपको लॉगिन पेज कैसे बनाना है। तो सिंपल करना है, आप तो पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, अगर अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर सिस्टम ऐसा लगाने वाला हूँ और वाला ब्लॉक यूज़ करता हूँ, एंड यहाँ से मैं इक्वल्स का यूज़ करता हूँ। आज मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि पिछले वीडियो में तो काफ़ी टाइम मैंने लगा दिया था, अराउंड 16-17 मिनट तो लग ही गया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा और जल्दी जल्दी करा लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से वो ब्लॉक बना लेता हूँ, एंड आप समझ चुके हैं कि आपको करना क्या है। तो यहाँ से हम सब कुछ रेडी कर लेते हैं। पहले हमें लगाना होगा ईमेल, एडिट टेक्स्ट ईमेल लगाना है, एंड यहाँ पर जाने के बाद एडिट टेक्स्ट पासवर्ड लगाना है। ओके, तो यहाँ पर हमने लगा लिया कि यदि एडिट टेक्स्ट ईमेल खाली रहेगा या फिर एडिट टेक्स्ट पासवर्ड, दोनों में से कोई खाली रहेगा तब यहाँ पर कंडीशन में क्या होगा। तो कंट्रोल में जाना है, इफ़ देन का एक ब्लॉक लेना है, एंड फिर एक ब्लॉक लेके आना है, और इसे आपको कॉपी करना है। इसे यहाँ से कॉपी करने के बाद इस ब्लॉक में ला के लगा देना है। इसके बाद अब इस ब्लॉक को भी कॉपी कर लेना है आपको। जैसे आप इसे कॉपी करते हैं तो यहाँ पे आपको रखना है पहले, इसके बाद इसे थोड़ा सा इधर करने के बाद फिर इसको लेके आगे बढ़ जाना है, फिर इसके बाद इधर से लेके आपको यहाँ पे रख देना है। तो इस तरह से हो जाएगा कि अगर ईमेल खाली रहे एंड एडिट टेक्स्ट पासवर्ड खाली रहे तब क्या होगा, तब यहाँ पर हम लोग कॉम्पोनेंट में जाएंगे एंड दो टोस्ट मैसेज भेजेंगे। तो यहाँ पर दो टोस्ट मैसेज हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्लीज़ इंटर योर ईमेल लगाएंगे, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड। तो आपका टाइम ना वेस्ट करने के लिए मैं इतना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, PASSWORD। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत सारे चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने सब कुछ बना दिया है, आप वहाँ पर जा करके मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, भरमार लगा दीजिए। मैं Q&A सीरीज़ एक लेके आ जाऊँगा कि संडे संडे Q&A कर दूँगा आप सभी के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी। तो यहाँ पर फिलहाल मैं जाता हूँ, एक इफ़ देन का ब्लॉक लेके आता हूँ, एंड यहाँ पर एडिट टेक्स्ट ईमेल को मैं वैलिडेट करने के लिए इस ऐसा फंक्शन लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अब आपको लगाना है, यहाँ पर नॉट का ब्लॉक है कि यूज़ करना है। इसके बाद अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा शायद। तो यहाँ पर कंटेंट्स का यूज़ करेंगे, इसके बाद एडिट टेक्स्ट ईमेल में कॉपी करेंगे, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें लगा लेना है एडिट टेक्स्ट ईमेल। इसके बाद हमें लगा लेना है कंटेंट्स में, आपको रखना है gmail.com। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इसके पहले में @ यूज़ क्यों नहीं कर सकते, अगर आप इसके पहले में @ यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं @ के पहले कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, है ना। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, है ना। तो जैसे मैं अब स्पेस को इरेज कर लेता हूँ, अब आप देख सकते हैं एडिट टेक्स्ट के पहले कुछ स्पेस वगैरह कुछ नहीं मैंने दिया है यहाँ पर @ के पहले, और इसे सेव करता हूँ और इसे फिर मैं एडिट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये तो स्पेस आ गया है। तो इस स्पेस को आप कभी इरेज नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा फंक्शन इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट बना दिया गया है कि आप कोई भी सिंबल यूज़ करेंगे तो उसके पहले में स्पेस आ जाएगा। तो इसलिए ये वाला आपको इतना ही रखना है, क्योंकि इसके पहले स्पेस नहीं आएगा, तो आपको gmail.com ही रखना है। अगर ये इसके इक्वल्स खाली नहीं रहता है तब आपको कंपोनेंट में जाना है, फिर से आपको वही ब्लॉक लगाना है प्लीज़ इंटर योर वैलिड ईमेल, ठीक है, प्लीज़ इंटर योर वैलिड ईमेल आपको लगाना है यहाँ पर, प्लीज़ इंटर योर वैलिड ईमेल। तो इतना करने के बाद अब आपका ये ब्लॉक एकदम पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और अब आपको करना क्या, अब आपको फायरबेस स्टोरेज में जाना है एंड फायरबेस की सारे कंपोनेंट्स को ऐड करना है। यहाँ पर मैं अगर कंपोनेंट भी ऐड करता हूँ फायरबेस और या फिर DB का, तो यहाँ पर आपका ऐड नहीं होगा, बिकॉज़ यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ यहाँ से
स्टार स्टार ऐसे करके ऐड करता हूँ तो यहाँ पर साफ मैसेज आता है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट यू हैव टू सेट अप द गैलरी मैनेजर फर्स्ट। यहाँ पर आपको गैलरी मैनेजर में ऐड करना होगा, तो मैं इसकी वीडियो जल्दी ही लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए। अगर आप फायरबेस स्टोरेज में अकाउंट नहीं बनाना जानते हैं या फिर और कुछ भी नहीं करना जानते हैं, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में एकदम भरमार है पूछने के लिए, आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं आपकी सारी सॉल्यूशंस को जवाब देने के लिए आया हूँ, और मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि मैं इस कैशवेयर के दुनिया में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएगी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का मैं दूर कर दूँ, क्योंकि मैं इसी के लिए आपका चैनल इस चैनल को बनाया हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करूँ और अच्छे से अच्छे एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करूँ आपके साथ। मैं आपको पूरा ट्रेन करने के लिए आया हुआ हूँ, तो अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि स्केचवेयर या फिर एपी बिल्डर, एप क्रिएटर 24, बहुत सारे एप्लीकेशन मैं बनाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आप इसमें कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारा लॉगिन ईमेल वाला सिस्टम, तो यहाँ पर प्लीज़ इंटर योर ईमेल आता है, तो यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं तो अब आता है प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड। तो हम मान लीजिए अब इसमें क्या करते हैं, ईमेल में हम पासवर्ड में भी कुछ टाइप कर लेते हैं, तो लॉगिन के सिस्टम में आता है प्लीज़ इंटर योर वैलिड ईमेल, तो हम ईमेल में यहाँ पर @gmail.com यूज़ कर लेते हैं, @gmail.com। तो लॉगिन करेंगे तो ये ले लेगा, ठीक है। अगर आप @ यूज़ नहीं करते हैं फिर भी ले लेगा, लेकिन आपको शायद इतना पता नहीं है कि पब्लिक @ क्या, इतना लॉजिक थोड़ी ना लगाएगा, और अगर लॉजिक भी लगाएगा तो वो फायरबेस स्टोरेज के टाइम में आ जाएगा, वहाँ पर मैसेज आ जाएगा एरर का मैसेज, ईमेल हैज बैडली फॉर्मेटेड, मतलब ईमेल आपका सही नहीं है। वहाँ पर भी हम लॉजिक लगा देंगे एक सिस्टम कि आपका वहाँ पर भी वैलिडेट नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।